फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में कोटा के चौहानों के बारे में। मित्रों, कोटा का चौहान वंश जो था, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कोटा के बारे में कि कोटा जो शहर या कोटा जो नगर है, कोटा जो रियासत है, वो किसके द्वारा बसाई गई और कोटा पर चौहानों का शासन कैसे स्थापित हुआ। मित्रों, कोटा पहले कोटिया नामक एक भील व्यक्ति था, कोटिया नामक भील व्यक्ति, इसके नाम पर इसका नाम जो है वो कोटा पड़ा और इस भील व्यक्ति का कोटा पर अधिकार था, इसलिए इसे कोटा कहा गया। कोटा को बूंदी के शासक समर सिंह के पुत्र व देवी सिंह हाड़ा के पोते जेत्र सिंह ने 1274 में, मित्रों क्या किया कि कोटा को बूंदी में मिला लिया। किसने मिलाया? बूंदी के शासक समर सिंह के पुत्र देवी सिंह हाड़ा के पोते जत्र सिंह ने। मित्रों, कोटिया भील को इसने हराया और बूंदी में कोटा को मिला लिया 1274 ईस्वी में। कोटिया भील के नाम पर ही मित्रों इस जगह का नाम कोटा था, लोग इसको कोटा कहने लगे और कोटा को बूंदी की नई राजधानी बनाया गया जत्र सिंह के द्वारा। कोटा बूंदी राज्य में ही रहा मित्रों, परंतु 1631 में शाहजहाँ ने कोटा को बूंदी से अलग कर राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को इसका शासक बना दिया। मित्रों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1631 में शाहजहाँ द्वारा बूंदी से कोटा को अलग किया गया। अब मित्रों जानते हैं कोटा के पहले शासक माधो सिंह के बारे में, जो राव रतन सिंह का द्वितीय पुत्र था और इसका जो जन्म जो है मित्रों वो बूंदी में हुआ था। मित्रों, इसकी जो माता थी वो बालतोत के ठाकुर की लड़की थी और इसने माधो सिंह की वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर मित्रों मुगल सम्राट शाहजहाँ ने कोटा की जो रियासत थी वो माधो सिंह को दी थी बूंदी से अलग करके और कोटा एक नवीन रियासत बनाई थी। मित्रों, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोटा जो रियासत है वो किसके द्वारा बनाई गई, तो शाहजहाँ द्वारा बनाई गई। मित्रों, माधो सिंह जो था वो इस नई रियासत का, कोटा रियासत का पहला शासक था और इसके 5 पुत्र थे। माधो सिंह के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। मित्रों, माधो सिंह की कोटा में रहते हुए ही 1648 में मृत्यु हो गई। माधो सिंह के बाद मित्रों कोटा का शासक बनता है मुकंद सिंह हाड़ा, राव मुकंद सिंह हाड़ा। ये मुकंद सिंह हाड़ा जो है मित्रों, इसका शासनकाल रहता है 1648 से लेकर 1658 तक, टोटल 10 वर्ष तक। मुकंद सिंह जो है वो माधव सिंह व उदयपुर की महाराणा की पुत्री मित्रों बागमदे का पुत्र था। किसका पुत्र था? माधव सिंह व उदयपुर के महाराणा की पुत्री बागमदे का पुत्र था और मुकंद सिंह की मित्रों 10 रानियाँ थीं। मित्रों, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध जब चल रहा था और औरंगजेब ने जब धर्मत का युद्ध लड़ा था, धर्मत के युद्ध में ये मुकंद सिंह जो है वो मारा गया था औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करते हुए। मित्रों, आपने नाम सुना होगा अमली मीणी का महल, राजस्थान में अमली मीणी का महल। मित्रों, इस पर राजस्थान इतिहास में कई क्वेश्चन बनते हैं और राजस्थान की कला संस्कृति में भी अमली मीणी का महल जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, मुकंद सिंह की हम बात कर रहे हैं तो इसी मुकंद सिंह ने ये अमली मीणी का महल बनवाया। कैसे बनवाया, क्यों बनाया? तो मित्रों, मुकंद सिंह एक बार शिकार खेलने गए हुए थे और उनकी एक अमली मीणी नामक सुंदर युवती से इनकी मुलाकात होती है और ये अमली मीणी से प्यार करने लगते हैं। इसी टाइम मित्रों इन्होंने अमली मीणी से प्रभावित होकर कोटा व मालवा, ध्यान रखिए मित्रों ये जो महल है वो कोटा व मालवा की सीमा पर मुकंदरा दर्रा अभ्यारण जो है मित्रों, जिसको राजस्थान का एक मतलब अभ्यारण जो है दर्रा अभ्यारण में एक महल बनवाया जिसे अमली मीणी का महल कहा गया। मित्रों, ये अमली मीणी का जो महल है ये राजस्थान का दूसरा ताज महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा ताज महल भी कहा जाता है। मित्रों, माधव सिंह के बाद जो कोटा के शासक बनते हैं वो बनते हैं राव जगत सिंह।
मित्रों राव जगत सिंह का जो शासन है वो 1658 से लेकर मित्रों 1658 से लेकर 1684 तक इनका शासन रहता है। मित्रों राव जगत सिंह जो है वो मुकंद सिंह के पुत्र होते हैं और 14 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं कोटा के। और 1684 में जब ये दक्षिण अभियान की तरफ जाते हैं तो राव जगत सिंह की नी संतानी मृत्यु हो जाती है, यानी इनके कोई संतान नहीं होती है। इसके बाद मित्रों माधव सिंह का जो सबसे छोटा पुत्र होता है जगत सिंह की तो मित्रों नी संतान मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका चाचा होता है जिसका नाम होता है किशोर सिंह। मित्रों इस किशोर सिंह को कोटा का शासक बनाया जाता है और इसी ने मित्रों कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। किसने? किशोर सिंह हाड़ा ने किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया कोटा में। मित्रों किशनगंज नाम का जो एक कस्बा है कोटा में वो भी इसी किशोर सिंह द्वारा बसाया गया। मित्रों इसकी भी किशोर सिंह की भी मृत्यु दक्षिण अभियान की तरफ जाते हुए हो जाती है। दक्षिण अभियान में जब ये जाता है तब इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मित्रों? 1696 ईस्वी में। मित्रों ये जो शासक बता रही हूँ आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके सिर्फ नाम ही हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मित्रों इन पर ज़्यादा जोर नहीं दे रही। राम सिंह जो है वो राव किशोर सिंह के बाद शासक बनते हैं मित्रों, और किशोर सिंह के द्वितीय पुत्र होते हैं। कौन मित्रों? राम सिंह। मित्रों इनका शासनकाल जो है वो 1696 से लेकर 1707 ईस्वी तक होता है। मित्रों आप अच्छी तरह जानते हैं जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जब मुगल काल के बारे में जानते हैं तो मुगल काल के बारे में 1707 में हमें क्या पता लगता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर उत्तराधिकार युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार युद्ध में राम सिंह जो है मित्रों वो आजम जो औरंगजेब का पुत्र होता है उसका साथ देते हैं। और इस युद्ध इनके बीच मित्रों राम सिंह ने आजम का साथ दिया। और मित्रों जब उत्तराधिकार युद्ध के दौरान जजाऊ का युद्ध होता है औरंगजेब के पुत्रों के बीच, तो ये आजम की तरफ से राम सिंह जो है वो आजम की तरफ से लड़ते हैं जून 1707 में, और इनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। मित्रों राम सिंह का जो शव है वो रण क्षेत्र से उठाकर नूराबाद लाया जाता है और नूराबाद में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। राम सिंह ने मित्रों कोटा में रामपुर बाजार, रामपुर दरवाजा, रामगंज, रावठा के तालाब तथा रामपुर का कोट आदि इमारतों का निर्माण करवाया। मित्रों राम सिंह के बारे में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि ये अपने तोपों से अपने अनेक शत्रुओं को भून कर इन्होंने रख दिया, इसीलिए इन्हें भड़भुजिया के नाम से भी जाना जाता है। भड़भुजिया के नाम से कोटा के किस शासक को जाना जाता है? तो राम सिंह को इस नाम से जाना जाता है। मित्रों आगे की वीडियो में हम जानेंगे राव भीम सिंह के बारे में। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।